प्रैक्टिकल है कि सीरीज टेस्टिंग बोर्ड पैनल तैयार करना, उसके हमने कुछ प्रैक्टिकल किया है और ये आपके सामने बोर्ड तैयार किया है। इसके अंदर हमने दो फ्यूज लगाए हुए हैं, ये हमने जो ऊपर लैंप और साथ सॉकेट लगाई है ये सीरीज के लिए लगाई है। ऊपर हमने इंडिकेटर है, ये पावर शो करती है। उसके बाद ये लैंप लगा हुआ है, ये ऑन ऑफ स्विच के साथ कंट्रोल किया हुआ है। ये टू पिन सॉकेट जो है सिंगल वे स्विच के साथ कंट्रोल किया है। और ये चार जो नीचे से सॉकेट लगाई हुई हैं इनको हमने लीड के तौर पर तैयार किया है, ये एक स्विच के साथ चार सॉकेट को कंट्रोल किया है। ये आपका पावर प्लग है। उसके बाद आपके साथ ये चेंज ओवर है, चेंज ओवर के साथ आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है। उसके बाद दूसरा साइड यही इसी तरह है कि ये आपका फ्यूज़ है, फेज और न्यूट्रल वायर। उसके बाद ये टू पिन सॉकेट और लैंप होल्डर, ये आपका सीरीज के लिए हमने तैयार किया है। ऊपर दो इंडिकेटर है पावर शो करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर भी लगाया है। ये टू पिन सॉकेट जो है एम्पेयर शो करेगी, अगर आप इसके अंदर कोई चीज़ लगाएंगे तो वो आपके एम्पेयर शो करेगी। उसके बाद आपका ये लाइट प्लग है, कोई चीज़ आपने बड़ी लगानी हो तो लाइट प्लग के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद आपका ये लैंप है, ऑन ऑफ स्विच के साथ कंट्रोल किया गया है। ये आपका टू पिन सॉकेट है, ये आपकी इसके साथ कंट्रोल की गई। अब आ जाते हैं इसकी बैक साइड पे कि इसका हमने ये किस तरह हमने इसको तैयार किया है। ये आपके सामने बोर्ड है, तो सबसे पहले आप फेज तार का इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूज़ के साथ हमने मेन पॉइंट लगाया है। उसके बाद दूसरे पॉइंट से हमने इंडिकेटर को दे दी है, इंडिकेटर से निकाल कर आपने दे दी है टू पिन सॉकेट के साथ। इसके बाद आपने इंडिकेटर के साथ दूसरी इंडिकेटर को दे दिए। फ्यूज़ के साथ एक पॉइंट आपने और लगाया, उसकी तार आपने एम्पेयर मीटर के एक पॉइंट के साथ लगा देनी है। इसी में से निकाल कर आपने जो नीचे वाले पॉइंट है एलईडी शो करता है वहाँ पे लगा देनी है। उसके बाद इसी में से हमने निकाल कर आपके वोल्ट मीटर को दे दिए, वोल्ट मीटर में से निकाल कर आपने दे देनी है लाइट प्लग के ऑन ऑफ स्विच के साथ। उसके साथ उसी में से एक तार निकाल के आपको दे दी है ऑन ऑफ स्विच के साथ, ऑन ऑफ स्विच में से निकाल कर दूसरी ऑन ऑफ स्विच में लगा दी है। इसी में से निकाल कर आपने दे देनी है ऑन ऑफ स्विच जो नीचे वाला आपका लगा हुआ इसके साथ लगा देनी है। यहाँ तक आपका फेज तार जो है मुकम्मल हो गया। उसके बाद आपका न्यूट्रल वायर आ गया, मेन तार आपने लगा दी है कहाँ पे, फ्यूज़ के साथ। फ्यूज़ के साथ लगाकर उसके दूसरे पॉइंट में एक तार अलग लगाई, उसमें से हमने इंडिकेटर को दे दी, इंडिकेटर में से निकाल कर आपने लैंप होल्डर को एक पॉइंट के साथ दे देनी। उसके बाद लैंप होल्डर के में से निकाल कर आपने दोबारा फिर दे देनी है इंडिकेटर को। उसके बाद फ्यूज़ के साथ एक तार और लगाएंगे, फ्यूज़ के साथ एक तार और लगाएंगे, वो आपकी जाएगी टू पिन सॉकेट के साथ। टू पिन सॉकेट के साथ निकाल कर आपने वोल्ट मीटर के साथ लगा देनी है, वोल्ट मीटर में से निकाल कर आपने एम्पेयर मीटर का जो एलईडी पॉइंट है उसके साथ आपने लगा देनी है। एलईडी पॉइंट्स के साथ निकाल के आपने लैंप होल्डर को दे देनी है। और उसके बाद आपने लैंप होल्डर से निकाल कर टू पिन सॉकेट जो नीचे लगी हुई है उनके साथ आपने लगा देनी है। इसमें से निकाल कर आपने दूसरी टू पिन सॉकेट के साथ कंट्रोल कर देना है। यहाँ तक आपका न्यूट्रल वायर जो है मुकम्मल हो गया। अब जो यहाँ पे चीज़ें कंट्रोल करने वाली हैं वो क्या हैं कि यहाँ से हमने इन दो टू पिन सॉकेट को कंट्रोल किया है ऑन ऑफ स्विच के साथ, ये वाला पॉइंट ऊपर वाला, उनमें से निकाल कर तार, ये वाली आपकी दोनों कंट्रोल हो गई। उसके बाद आपका जो ये वाली दो टू पिन सॉकेट हैं ये साथ ही ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है उसके साथ हमने इनको कंट्रोल कर दिया है। उसके बाद ये ऊपर ऑन ऑफ स्विच है इसको हमने लैंप के साथ कंट्रोल कर दिया, ठीक हो गया। ये जो टू पिन सॉकेट है ये क्या करेगी, आपके एम्पेयर शो करेगी। अगर किसी चीज़ को हमने करंट मालूम करना है तो उसके साथ ये आपकी चीज़ चेंज जो है कंट्रोल हो जाएगी। उसके साथ ये इसकी दूसरी साइड है, इसके साथ हमने क्या क्या लगाया हुआ है, इसके साथ वोल्ट मीटर और चेंज ओवर लगाया हुआ। चेंज ओवर का मकसद क्या है, आपकी अगर दो मीटर लगे हुए हैं तो दो मीटर की सप्लाई हमने किस तरह मुंतकिल करनी है। अगर एक की सप्लाई चली जाती है तो दूसरी की अगर आपकी ऑन है या आपका यूपीएस है तो यूपीएस पे आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना है, तब्दील करना हो तो उसके लिए आपकी ये जो जो दो मेन है यहाँ पे आपके दो जो खाली पॉइंट है यहाँ पे आपने दो सप्लाइयाँ लगा देनी है। ये ऊपर वाला जो है पहला मीटर होगा और जो नीचे वाला जो दो हमने तारें लगाई हैं वो आपका दूसरा दो नंबर जो है मीटर है वहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ पे ये हमने सप्लाई दी हुई है इस पैनल की और ये ऊपर वाले जो पैनल है जो इस पैनल की हमने सप्लाई दी है। यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकल कर, बाकी सारी डायग्राम जो है वो भी इसी के से आपसे हमने ये तैयार की हुई है।
अब हम इसको सप्लाई देते हैं, सप्लाई देकर चेक करते हैं कि आया इसके अंदर करंट मौजूद है। दोनों सप्लाई चेक करते हैं, यहाँ पे हम वावड़ा सप्लाई लगाएंगे। वावड़ा पे लगाओ, यहाँ पे ये देखे कि हमारा चेंज ओवर जो है जीरो पॉइंट पे खड़ा हुआ है। अगर हम पहला मीटर ऑन करेंगे तो आपके ये पहला मीटर चलना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया। अब आपका जो मीटर है ये इसकी मीटर की सप्लाई चले जाती है, तो हमने क्या करना है कि ये जो है चेंज ओवर इसको हमने दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे तो आपकी सप्लाई जो है क्या हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी। अगर आपने वापड़ा का नई मीटर लगा हुआ तो आपका यानी कि जनरेटर पे दिल करता है कि हमने यानी कि जनरेटर पे चलाना है, तो ये जो दो नंबर पॉइंट है आप उसकी सप्लाई जनरेटर के साथ, जनरेटर ऑन करेंगे जनरेटर के साथ उसको अटैच कर देंगे तो आपकी सप्लाई जो है घर की चलना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। अब इसको ऑफ करते हैं तो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, दोनों सप्लाई आपकी सेंटर पे दोनों सप्लाई जो है बंद हो जाएंगी। अब वन पे करेंगे तो आपका कौन सा मीटर चलेगा, फर्स्ट मीटर चलेगा, पहला मीटर चलेगा, ठीक हो गया। अगर दूसरे पे करेंगे तो दो नंबर पॉइंट पे आपका दूसरा मीटर जो है चलना शुरू हो जाएगा, ठीक हो गया जी, ठीक है, ओके।